हेलो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, गाइस, टीचर्स, जो भी वीडियो को वॉच कर रहा है, मेरे पास यार बहुत ही ज्यादा क्वारी है आ रही है इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स की कि भैया जो है हमारा तो पीजी का जो एप्लीकेशन है वो कब से रिलीज होगा। स्पेशली कि भैया मेरे को बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना है, किसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में लेना है, किसी को गुजरात में लेना है, किसी को पंजाब के अंदर लेना है, तो उन सभी के लिए क्या सीन रहने वाला है और उनका एडमिशन जो है कैसे कंप्लीट हो पाएगा। बिकॉज जो है बहुत सारी इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है किसी भी वेबसाइट पे और जो है CUET की वेबसाइट पे। अगर आप CUET की वेबसाइट ओपन करते हैं देन आपको यहाँ पे स्पेशली दिखाया जाता है ऊपर ही कि ये यूजी के लिए है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो CU PG का भी नहीं है। अब एक बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि जो पीजी का क्या सीन रहने वाला है और कब तक हमें जो आखिरकार इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगेगी और कब तक जो है हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कब इसका एग्जाम रहेगा और क्या जो फर्स्ट ईयर वाले जैसा डोमेन सेलेक्ट कर रहे हैं वैसा हमें ही करना पड़ेगा क्या, और क्या इसमें प्राइवेट कॉलेज भी पार्टिसिपेट करेंगे। सर क्वारीज बहुत ही ज्यादा है इसके रिगार्डिंग। ओके, तो आज हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि क्या सारा सीन है। सर जैसे बहुत सारी कॉलेजेज है, जैसे जो भी दिल्ली के ऑलमोस्ट कॉलेजेज है जो कितने साल अपना खुद का एंट्रेंस करा रहे थे, ऑलमोस्ट जो वो सारे कॉलेजेज है वो अपना खुद का ही कराएंगे इस बार, जैसा कि देखने को मिल रहा है अभी। सर सिंपली जो है इसके बारे में बात करते हैं यार, जो दिल्ली के जो कॉलेजेज है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो DUET 2022 करा रही है, वैसे जामिया है, वैसे ही जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जैसे BHU है, तो इनका क्या सारा सीन है। सो गाइस इनकी ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो भी दिल्ली के कॉलेजेज है। जस्ट लाइक अगर अपन राजस्थान की बात करें, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, इनका जो है इतने साल एक ही एग्जाम होता था, जो भी स्पेशली जो स्टेट्स के अंदर जो यूनिवर्सिटीज है उनका सभी का एक ही एग्जाम होता था CU CET। इस बार UG के लिए सारे कॉलेजों के लिए जो है एक सिंगल विंडो टेस्ट हो रहा है, लेकिन PG में जो है सभी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। कुछ जो है दिल्ली के जो स्पेशल जो कॉलेजेज है, जो बहुत बड़े कॉलेज है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो है अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करा दिया। अब ये बच्चे बोल रहे हैं कि भैया जो है क्या सारे यूनिवर्सिटीज अलग अलग एग्जाम कराएंगे क्या। तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो भी स्पेशली स्टेट के अंदर कॉलेजेज है उनका खुद का जो है सभी मिलके एक टेस्ट करा सकते हैं, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग करा सकती है बेसिकली इसके अंदर डिपेंड करता है कि सबसे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म किसके पास आते हैं, राइट। जैसे हम अगर बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं जितने सारे कॉलेजों के मिलकर अदर दें, जैसे जामिया BHU वगैरह को छोड़ दें, दिल्ली के पास इतने एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं। जैसे अगर अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इन सबको मिला के इन सब में जितने आते हैं उतने दिल्ली में अकेले आते हैं। तो यार वो अपना अलग करा रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर एक ही करा दे पीजी के लिए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हो रहा है। अब इसका क्या आपको क्या सीन देखने को मिलेगा, तो यार इसका ऑफिशियल जो अपडेट है, जो अदर जो स्टेट के अंदर जो कॉलेजेस बच गए हैं उनका जल्द ही जो एप्लीकेशन फॉर्म है टिल मई तक, आप 27-28 मई मान के चल सकते हो, 27-28 मई तक जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो रहा होगा। और जस्ट जो है जून के अंदर आई थिंक जो है नेट वगैरह का एग्जाम चल रहा है आपका, जो अगर अपन एक्सेप्टेड जो मान रहे हैं पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भी भर कर रहे हो, पीजी का जो एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक कंडक्ट किया जाएगा। आपका जो सेशन है एडमिशन सेशन वो जो फर्स्ट से सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, आप 16 अगस्त मान के चल सकते हो, 14 से 16 अगस्त तक आपके जो है कॉलेजेस चलने लगेंगे। तो ये सारा सीन है, और एक से आधा महीना जो है काउंसलिंग के अंदर लग जाता है एडमिशन प्रोसेस के अंदर, तो आप इसके अंदर बिल्कुल घबराए नहीं। और यार इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्द ही टिल आप मान के चल सकते हो 27 मई तक रिलीज कर दिया जाएगा, और जस्ट आप उसको फिल करें और आपके जो एग्जामिनेशन है एंट्रेंस एग्जाम है वो पूरे पूरे जुलाई में होने के चांसेस लग रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हमारा जो है एडमिशन सो आई थिंक आपका जो है एग्जाम का इश्यू सोल्व हो गया होगा, आपके जो भी एग्जामिनेशन है वो जुलाई तक कंडक्ट किए जाएंगे। हमारा जो है गारंटेड एडमिशन प्लान चल रहा है जिसके ऊपर आप जो इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग कुछ जो है अमाउंट के अंदर ही इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा जो है आप इनसे सावधान रहे,
दलाल लोग जो है या फिर स्कैमर्स हैं, बच्चों को बुरी तरह से लूट लेते हैं कि भैया जो इतने पैसे दे दो मैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दूंगा, लेकिन आप उनके चक्कर में बिल्कुल ना आए। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है जिसके अंदर जो है आप पैसे देके कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। दिस इज नॉट एन ऑप्शन। ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे IIT हो चाहे NIT हो, कहीं भी आप पैसे बिल्कुल भी फ्रॉड ना करें। तो इसके रिगार्डिंग जो है हमारा मिशन गारंटेड एडमिशन प्लान चल रहा है, तो दस यू कैन कॉन्टेक्ट नाउ, विजिट द इंजीनियरिंग वाला .in और दिस हेल्पलाइन नंबर। हमारी जो काउंसलिंग टीम है वह आपकी पूरी हेल्प करेगी रिगार्डिंग योर बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच, बेस्ट प्लेसमेंट इन ओनली एंड ओनली फॉर लीडिंग द टॉप जस्ट कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, MBA कॉलेजेज, BCA कॉलेजेज, BTech कॉलेजेज। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।